Once again, welcome back to my channel Guru Mantra with Sunil Kumar. Today we are here to study class 9 economics. Today's topic is an example of small scale manufacturing. Here you can see your heading, an example of small scale manufacturing. When we talk about this particular topic, an example of small scale manufacturing in Palembur, we should try to understand what do you mean by small scale industry. When we talk about small scale industry employs less number of people and capital. जब हम बात करते हैं small scale industries की, इसमें कम मजदूरों को काम पर लगाए जाते हैं और कम पूंजी लगाया जाता है. So one of the most important feature of small scale industry is it requires less number of people and capital. आपकी जो small scale industry है उसकी एक खासियत यह है कि इसमें कम लोगों की जरूरत होती है और कम पूंजी की आवश्यकता होती है. If you want to establish a small scale industry, you can start a small scale industry with less number of people and less capital in your hand. Capital means आपके पास अगर कम पूंजी हो और आपके पास मजदूर के तौर पर या वर्कर्स के तौर पर कम लोग हो, तभी आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल सकते हैं. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कम लोगों को काम पर लगाए जाते हैं और कम पूंजी लगाए जाते हैं. मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मैन पावर. One more important feature of small scale industry is that most of the work in small scale industry is done by manpower. आपकी small scale industry की अधिकतर जो काम होते हैं वह लोगों की शारीरिक परिश्रम से ही पूरा किया जाता है. Small machines and tools, उतना ही नहीं, छोटे machineries और छोटे छोटे जो औजार होते हैं उसकी मदद से आपकी small scale industry के कामकाज पूरा हो जाता है. द रॉ मटेरियल यूज्ड इज लेस एंड सब्सिक्वेंटली द प्रोडक्शन इज ऑल्सो लेस. आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी कम मात्रा में होता है और अंदर द प्रोडक्शन भी क्या होते हैं, कम होते हैं. सब्सिक्वेंटली मीन्स बिकॉज ऑफ दैट या द result is that the production is also less. They are scattered over rural areas and urban areas and are in private sector like cycle production. आप जब बात करते हैं small scale industries की, they are scattered over, वो कहाँ छितरे हुए हैं, कहाँ फैले हुए हैं, over rural and urban areas. कुछ small scale industries ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, कुछ शहरी प्रांतों में हैं और कुछ जो है आपके प्राइवेट सेक्टर में है. एग्जाम्पल्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर साइकिल प्रोडक्शन, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, दाल मिल एक्सेट्रा. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. नाउ एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन पालमपुर, ओनली और लेस देन 50 पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर. पालमपुर में मात्र कितने लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, 50 लोग से कम संख्या में लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है. व्हेन वी टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक प्लेस इन बिग फैक्ट्रीज इन टाउन्स एंड सिटीज, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स. आपकी जो पालमपुर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो किसकी तरह नहीं है, शहरों में या सिटीज में और टाउन्स में जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है बिल्कुल उसकी तरह नहीं है. द प्रोडक्शन इन पालमपुर इज डन ऑन स्मॉल स्केल. आपकी पालमपुर की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियां हैं वहाँ पर प्रोडक्शन कैसे किए जाते हैं, स्मॉल स्केल में, नॉट इन लार्ज स्केल. दे आर प्रोड्यूस्ड इन लेस क्वान्टिटीज. वहाँ पे आपके उत्पादन बहुत कम मात्रा में किए जाते हैं. दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम इन द और इन द फील्ड विच द हेल्प ऑफ द फैमिली लेबर्स, विद द हेल्प ऑफ द फैमिली लेबर्स. वे अपने कामकाज को
घर पर ही कर लेते हैं या अपने फील्ड में ही कर लेते हैं, खेत में ही कर लेते हैं। किसकी मदद से? घर के जो अन्य सदस्य हैं, परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, उनकी मदद से ही वो कर लेते हैं। दे रेयरली हायर एनी लेबर्स और एम्प्लॉयज फ्रॉम आउटसाइड, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खासकर जो रूरल एरियाज में हैं वो कभी भी बाहर से लोगों को काम पर हायर नहीं करते हैं, काम पर नहीं लगाते हैं। घर के जितनी पारिवारिक सदस्य हैं वही मिलकर क्या कर लेते हैं, उत्पादन कर लेते हैं। हियर वी कैन सी सम ऑफ द मेजर एग्जांपल्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, साइकिल प्रोडक्शन ऑफ साइकिल, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट मींस कपड़े बनाने की जो उत्पादन प्रक्रिया है, दाल मिल, ये दाल मिल जहाँ पर दाल को प्रोसेसिंग करके पैकिंग किया जाता है या फिर मार्केटिंग किए जाते हैं। इन द सीरीज ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। हियर यू कैन सी यूर हेडिंग द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। बहुत ही सिंपल सी बात है, जो लोग दुकानदारी करते हैं, जो दुकान चलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, शॉपकीपर्स कहते हैं। तो वेन वी टॉक अबाउट पीपल इन पालमपुर, ओनली 25% ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, 75% ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन फार्मिंग एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। ओनली 25% ऑफ द पीपल आर engaged in non-farming activities, and when we talked about manufacturing industries, only 50 people in Palanpur are engaged in small-scale manufacturing industries. When we talk about shopkeeping in Palanpur, people involved in trade, exchange of goods are not many in Palanpur. जब हम व्यापार करने वाले लोगों के बारे में बात करते हैं या चीज़ों की खरीद बिक्री करने वाले लोगों के बारे में बात करते हैं तो पालमपुर में दुकानदारों की संख्या बहुत नहीं है। हियर यू कैन सी एक्सचेंज ऑफ गुड्स, पीपल दोस हु आर एक्सचेंजिंग गुड्स आर वेरी लेस इन नंबर इन पालमपुर। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर and shopkeepers who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the villages. आपकी पालमपुर गांव के जो दुकानदार हैं और वह चीज़ों को, मालों को होलसेल मार्केट्स के खरीद कर लाते हैं शहरों से, फिर अपने गांव में दुकान, अपने दुकानों के जरिए क्या कर लेते हैं, बेच लेते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट शॉपकीपर्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और ट्रेडिंग एक्टिविटी इन पालमपुर, the shopkeepers in Palanpur goods various type of goods from wholesale markets in the cities and bring them to their village and sell them in the shops in the villages. You will see small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some cloth materials are also sold by them through their shops. तो आप पालमपुर की जो दुकानदारी है उसके बारे में जब आप बात करते हैं तो आप वहाँ पर बहुत सारी जनरल स्टोर देख सकते हैं, जनरल स्टोर देख सकते हैं, किराने की दुकान देख सकते हैं, और उन किरानों की दुकानों में बहुत सी चीज़ें बेची जाती हैं, चावल, गेहूँ, चीनी, चाय, तेल, बिस्किट, सॉप, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencils, even some clothes. Most of the items that we use in day-to-day requirements are sold out in their shops. अब नित्य दिन के जीवन में आपको साबुन चाहिए, toothpaste चाहिए, मोमबत्तियाँ चाहिए, notebook चाहिए, pen, pencil, biscuits and tea, sugar, oil, rice, wheat flour, so many things are required. ये सारी चीज़ें जो लोगों की जीवन में प्रतिरोज आवश्यकता होती है वैसी चीज़ों को वहाँ के दुकानों में बेचे जाते हैं। ए फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउसेस आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूजली अ पार्ट ऑफ देयर बिल्डिंग और देयर हाउस टू ओपन स्मॉल शॉप्स, दे सेल ईटेबल्स एक्सेट्रा देयर। तो अब जिन परिवारों की घर जो है
बाजारों में होते हैं वो अपने सामने वाले किसी कमरे को किस्त में तब्दील कर लेते हैं, दुकानों में तब्दील कर लेते हैं, वो इन द सीरीज ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर. हियर यू कैन सी योर हेडिंग द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर. बहुत ही सिंपल सी बात है, जो लोग दुकानदारी करते हैं, जो दुकान चलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, शॉपकीपर्स कहते हैं. तो व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल इन पालमपुर, only 25% of the people are engaged in non-farming activities. 75% of its total population is engaged in farming and growing crops. Only 25% of the people are engaged in non-farming activities. And when we talked about manufacturing industries, only 50 people in Palambur are engaged in small-scale manufacturing industries. When we talk about shopkeeping in Palambur, people involved in trade exchange of goods are not many in Palambur. जब हम व्यापार करने वाले लोगों के बारे में बात करते हैं या चीज़ों की खरीद बिक्री करने वाले लोगों के बारे में बात करते हैं तो पालमपुर में दुकानदारों की संख्या बहुत नहीं है. Here we can see exchange of goods. People, those who are exchanging goods are very less in number in Palambur. The traders of Palambur and shopkeepers who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the villages. Aapki Palambur gaon ke jo dukandar hain aur wah cheezon ko malon ko wholesale markets ke khareed kar laate hain shaharon se, फिर अपने गांव में दुकान अपने दुकानों के जरिए क्या कर लेते हैं, बेच लेते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट शॉपकीपर्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और ट्रेडिंग एक्टिविटी इन पालमपुर, द शॉपकीपर्स इन पालमपुर गुड्स वेरियस टाइप ऑफ गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज एंड ब्रिंग देम टू देयर विलेज एंड सेल देम इन द शॉप्स इन द विलेजेस. यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some cloth materials are also sold by them through their shops. तो आप पालमपुर की जो दुकानदारी है उसके बारे में जब आप बात करते हैं तो आप वहाँ पर बहुत सारी जनरल स्टोर देख सकते हैं, जनरल स्टोर देख सकते हैं, किराने की दुकान देख सकते हैं, और उन किरानों की दुकानों में बहुत सी चीज़ें बेची जाती हैं, चावल, गेहूं, चीनी, चाय, तेल, बिस्किट, सॉप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल्स, इवन सम क्लोथ्स. मोस्ट ऑफ द आइटम्स दैट वी यूज इन डे टू डे रिक्वायरमेंट्स आर सोल्ड आउट इन देयर शॉप्स. अब नित्य दिन के जीवन में आपको साबुन चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, मोमबत्तियाँ चाहिए, नोटबुक चाहिए, पेन, पेंसिल, बिस्किट्स एंड टी, शुगर, ऑयल, राइस, वीट फ्लोर, सो मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड. ये सारी चीज़ें जो लोगों के जीवन में प्रतिरोज आवश्यकता होती है वैसी चीज़ों को वहाँ के दुकानों में बेचे जाते हैं. ए फ्यू ऑफ द फैमिलीज हूज़ हाउसेस आर क्लोज टू द बस स्टैंड how usually a part of their building or their house to open small shops. They sell eatables. When we talk transport as a non-farm sector in Palambur, it is a fast developing sector, as you can see here in the heading itself, a fast developing sector. It is a fast developing sector. There are variety of vehicles on the road connecting Palambur to Raiganj. Raiganj is a small town nearby Palambur. You can see rickshaw walas, toga walas, jeep, tractor, truck drivers and people driving the traditional bullock cart and bogies are people in transport services. So when we talk about non-farm activities in Palambur,
Transportation is one of the most important non-farm activity in Palampur, which help the people to carry their goods from one place to another. At the same time, passengers are also carried from one place to another through these means of transportation. So some people in Palampur are engaged in transport. When we talk about transport, they ferry people and goods from one place to another. As I have told you, they carry, ferry means fetch people from one place to another. They carry people from one place to another and goods from one place to another, and in return get paid for it. So आपकी जो पालमपुर में ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं वो क्या करते हैं, लोगों को और माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और बदले में उसे क्या मिलते हैं, पेमेंट मिलता है. द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल इयर्स. सो ट्रांसपोर्ट एज ए नॉन फार्मिंग सेक्टर इन पालमपुर इज फास्टली डेवलपिंग फॉर द लास्ट सेवरल इयर्स. नंबर ऑफ व्हीकल्स हैव बीन इंक्रीज्ड. द अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज ग्रोन अप. सो वी कैन से ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो an important non-farming sector in Palampur, which fastly developing nowadays. So these are some of the major non-farming activities conducted in Palampur. We have studied almost all the non-farming activities in Palampur. I hope you will be benefited by this section. If you like my videos, please subscribe and share it with your friends. Don't forget to press the bell button. Stay home, stay safe, be happy, enjoy your day-to-day activities, be punctual in your studies. That's all. Thank you for watching my video.